नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबील और आप देख रहे हैं एनडी टुडे न्यूज़। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। खुश आमदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं एनडी टुडे न्यूज़। हैदराबाद ई जोन और वे जोन टास्क फोर्स ने मोबाइल चोरी करने वाले चार अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चार ग्रोहों के 9 अरकान के साथ साथ 2 ऑटो 92 मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए, जिनकी जुमला मालियत 12 लाख रुपए बताई गई है। इन चार मुजरिमीन की शनाख्त मोहम्मद खान, मोहम्मद मोहसिन, मोहम्मद अब्दुल हाजी, मोहम्मद मंसूर की हैसियत से की गई है। कंचनबाग, दबीरपुरा, चंद्राइन गुट्टा, काला पत्थर, राय दुर्गम, मैलादेवपल्ली, माधवपुर, चंद्राइन गुट्टा, मीर चौक, सनत नगर, उपल और दीगर पुलिस स्टेशनों में गैंग के अरकान के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं। आइए देखते हैं ये तफसीली खबर। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, हैदराबाद सिटी पुलिस टास्क फोर्स के तरफ से साउथ जोन और ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम और सिविल पुलिस कंचनबाग, चंद्रायन का, दबीरपुरा, अफजलगंज, ये लोग सब मिलकर 4 सेल फोन थेफ्ट गैंग का डिटेक्शन और गिरफ्तारी हुआ, जिसमें अभी तक 9 क्रिमिनल्स की गिरफ्तारी हुई है और टोटल 92 सेल फोन्स का रिकवरी हुआ। ये 92 सेल फोन रिकवरी के बाद 2 ऑटो का भी रिकवरी हुआ और टोटल वैल्यू लगभग 92 लाख से लगभग 12 लाख से ज़्यादा का है जो रिकवरी हुआ है। गैंग मेंबर्स हैं मोहम्मद महमूद अली हफीज़ बाबा नगर के, मोहम्मद खान हफीज़ बाबा नगर, आमिर खान हफीज़ बाबा नगर, मोहम्मद मोहसिन मैलार देवपल्ली, मोहम्मद मूसा चंद्रायन गुट्टा, मोहम्मद अब्दुल हाजी संतोष नगर, मोहम्मद रफीक एलियस छोटू चंद्रायन गुट्टा, मोहम्मद मंसूर पहाड़ी शरीफ, मोहम्मद दस्तगीर पहाड़ी शरीफ। ये लोग बेसिकली हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, जो कि ऑटो हायर करके पैसेंजर को बिठाकर सिंगल ऑफेंडर जहां रहता है उसको टारगेट बनाते हैं और बातचीत में उनको फंसाकर उनका अटेंशन को डाइवर्ट करके उनका सेलफोन या बाकी इस तरह का सामान का चोरी करते हैं। ये पूरे ऑपरेशन में हमारे डीसीपी टास्क फोर्स जी चक्रवर्ती और उनके पूरे टीम मेंबर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ऑफिसर राघवेंद्रा, श्रीसाइलम नरेंद्र, चंद्रमोहन, थकीउद्दीन, गोविंद स्वामी, वासुदेव और पूरे साउथ जोन और ईस्ट जोन के टास्क फोर्स टीम और उनके साथ कंचनबाग, चंद्रायन गुट्टा, दबीरपुरा और अफजलगंज सिविल पुलिस के सभी लोग बहुत अच्छा काम किए। इसमें बहुत सारे क्रिमिनल्स हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, इसीलिए उनके खिलाफ पीडी एक्ट की कार्रवाई भी शुरू हो गई है।